खुशी की बात है कि सब लोग पूरे मन के साथ यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में कपिल मिश्रा जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। मैं आप सब की ओर से कपिल जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी के अंदर रहकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री पद को भी उन्होंने लात मारी, इस बात के लिए कि उन्होंने देखा कि उनकी सरकार और उनका मुख्यमंत्री वो झूठे काम करता है, जन विरोधी काम करता है, जनता को गुमराह करता है, बेईमानी करता है, मुखाटा ईमानदारी का रखता है लेकिन भ्रष्ट आचरण करता है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त नहीं की। और बर्दाश्त ना करते हुए उन्होंने उस पार्टी को लात मारी, उस पार्टी की सरकार को लात मारी, अपने मंत्री पद को लात मारी। और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी से बाहर आए, प्रत्याशी तो वो आज बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी औपचारिक तौर पर मेंबर भी कुछ समय पहले बने होंगे, लेकिन कोई दिन, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा इशू नहीं जिस पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष ना किया हो। और संघर्ष भी खाली सांकेतिक संघर्ष नहीं, खुलकर पूरे दम के साथ, पूरे विवेक के साथ संघर्ष किया। इसलिए हम सब हृदय से उनको अभिनंदन करते हैं। भले ही वो इस क्षेत्र के अंदर आकर उन्होंने डायरेक्टली काम नहीं किया होगा, लेकिन पूरे दिल्ली लेवल पर उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो अलख जगाने का लोगों के बीच में संघर्ष को जीवित रखने का काम किया, उसमें उन्होंने पिछले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय किया कि उनको इस सीट से जनता की भावनाओं के प्रतीक के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ना है, और इस नाते वो आज यहाँ पर हवन पूजा करके यहाँ से आप सबकी शुभकामनाओं को साथ लेकर अपना नामांकन भरेंगे। चट्टीलाल गोयल जी के बाद शायद बहुत समय से मॉडल टाउन के अंदर हम ये सीट को विजय नहीं प्राप्त कर पाए हैं। यद्यपि पार्लियामेंट के चुनाव में 2014 में भी और 2019 के अंदर भी इस सीट के ऊपर, इस सीट की जो ताकत है, इस सीट के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो परिश्रम है, उनका जो पोटेंशियल है, उसको मैंने स्वयं 2014 और 2019 में देखा है। बड़े भारी मतों से आपने मुझे इस सीट पे दोनों चुनावों के अंदर विजयी बनाया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में कोई कमी है, लेकिन जैसे दिल्ली के अंदर हमारी लगातार कॉरपोरेशन में विजय होती रही, लगातार पार्लियामेंट में भी विजय होती रही, लेकिन शायद दिल्ली के अंदर हमारी 21 साल में सरकार नहीं आई कोई ना कोई कारण से, इसलिए शायद इस सीट पर भी सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम लोग जो है यहाँ पर विधानसभा में चट्टीलाल जी के बाद नहीं जीत पाए। मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, ये कामना भी करता हूँ, और आप सबकी योग्यता और क्षमता के आधार पर इस बात का विश्वास भी करता हूँ कि जो विधानसभा के अंदर एक प्रकार का हम लोगों के लिए ग्रहण लगा हुआ था, वो जो ग्रहण है उसके सारे बादल, वो सारे के सारे इस बार छटेंगे और मॉडल टाउन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। मैं केवल आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोग अपनी जो ताकत है और जो अपनी क्षमता है और जो वास्तव में जमीन की सच्चाई है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि आज क्या है कि टेलीविजन पर और अखबार के अंदर सरकारी
एडवर्टाइजमेंट और अखबार के अलावा टेलीविजन पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जिसमें अटेंड करने वाले भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, एंकर भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, सवाल भी स्पॉन्सर्ड होते हैं और उनके जवाब भी जो है पहले से सोच के बैठे होते हैं और उसके माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि सारी दिल्ली के अंदर जो है एक ही बात की गुणगान हो रही है, एक ही बात की चर्चा हो रही है। उन्होंने जो 70 वादे दिल्ली की जनता से किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ये दिल्ली की जनता जानती है। और जितनी बातें वो बोलते हैं उसमें 99% झूठ है, ये भी समझदार लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं लॉजिक से सिर्फ दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने 2015 के अंदर विधानसभा का चुनाव जीता था, 70 में से 67 सीटें जीती थी। उसके बाद 2017 के अंदर अगला चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन का। जब 2017 का कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा था तो दिल्ली की जनता के सामने तीन चीजें थी। उनके सामने 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेशन में किया हुआ काम था, उनके सामने नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 3 साल का 2014 से 2017 तक का केंद्र में किया हुआ काम था, और उनके सामने दिल्ली में जो सरकार है उसका 2 साल का किया हुआ काम था। इन सबके कामों के विश्लेषण को करने के बाद दिल्ली की जनता ने क्या फैसला किया, उन्होंने 2017 के अंदर हमारी पार्टी को कॉरपोरेशन के अंदर विजय दिलाई। अगर 2 साल में कोई असाधारण काम किया होता और लोगों को उनके ऊपर विश्वास होता तो उनको उस कॉरपोरेशन के चुनाव में भी तीसरे स्थान पर न रहना पड़ता। उसके बाद 2019 के अंदर चुनाव हुआ, वो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 4 साल काम कर चुकी थी, 4 साल, और मोदी जी की सरकार 5 साल काम कर चुकी थी, हमारी नई वाली कॉरपोरेशन 2 साल काम कर चुकी थी। ये सारी चीजें जनता के सामने थी। तो ऐसे समय में जनता ने क्या फैसला किया, 4 साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के काम को देखने के बाद 70 में से 65 स्थानों पर वही पार्टी जो 70 में से 67 स्थानों पर जीती थी 65 स्थानों पर उनको आप सबने हराया, दिल्ली की जनता ने हराया। वो पार्टी जिसको 55% वोट 2015 में मिले थे उसको 16-18% पर तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया दिल्ली की जनता ने। वो कांग्रेस पार्टी जिसको 9% वोट मिले थे 2015 में उसको 26% तक पहुंचा दिया दूसरे स्थान पर। यानी 5 साल नरेंद्र मोदी जी का काम देखा, 2 साल हमारी नई कॉरपोरेशन का काम देखा और 4 साल इनका काम देखने के बाद इनको पहली पोजीशन से तीसरी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया और अधिकांश स्थानों पर इनकी जमानत जब्त कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 4.5 साल कोई काम नहीं किया और जिस सरकार को 5 साल काम करना था उसने 5 महीने आखिर में आकर केवल एडवर्टाइजमेंट और केवल दोबारा से नए नए वादे। अब कहते हैं हम यमुना में ये करेंगे, हम बसों में ये करेंगे, हम इसमें ये करेंगे। अरे भाई, अब तो तुम्हें बताने का समय आया कि तुमने 5 साल में क्या किया। नए सिरे से बता रहे हो हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, अब तो आप ये बताओ हमने ये किया हमने ये किया हमने ये किया, कुछ बताने के लिए नहीं है। इसलिए बड़ा स्पष्ट है दिल्ली की जनता को ये तय करना कि उसको 5 साल काम करने वाली सरकार चाहिए, ऐसी कर्तव्यनिष्ठ सरकार चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर दिल्ली को उसकी डेवलपमेंट की विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाए, या उसको 5 महीने की एडवर्टाइजमेंट देने वाली, हमारा ही पैसा खर्च करके अखबारों में अपनी तस्वीर छपाने वाली, सारे दिल्ली के अंदर ये जो फोटो लगा रखे हैं कोई बस स्टैंड के ऊपर, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, ये कहाँ से आया पैसा? अखबार में हर रोज 4-4 पेज के एडवर्टाइजमेंट, ये किसके पैसे से दिए गए? टीवी पे 10-10 मिनट 5-5 मिनट तक प्राइम टाइम के अंदर जो है, प्राइम टाइम में हम लोग पता है कि थोड़ा सा 2-3-4 15-20 सेकंड का जो है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए भी हम लोग 100 बार सोचते हैं और वहाँ पर 10-10 मिनट तक जो है एडवर्टाइजमेंट आते हैं, किसके पैसे से आते हैं? हम सबके पैसे से आते हैं।
इसलिए जनता जो है वो बहुत अच्छी तरह से ये समझ चुकी है, गरीब लोग भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने गरीबों को बहकाया हमेशा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 लाख गरीब लोगों को जो है अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले उनको अब रजिस्ट्री पकड़ाना शुरू कर दिया। जहाँ पर झुग्गी है वहीं पर मकान बनाने के लिए जो है सारा का सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 साल में हर झुग्गी वाले के घर के ऊपर जो है वो मकान जो है वहाँ पर उसको मिलेगा, उसी जगह पर जहाँ उसकी झुग्गी है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में दिल्ली में विरोधी सरकार होते हुए भी इतने काम भारत की सरकार ने दिल्ली के लिए किए हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी आप द्वारका के पास जाइए, वहां पर कन्वेंशन सेंटर बन रहा है 26,000 करोड़ रुपए का। 26,000 करोड़ रुपए कोई छोटी बात नहीं होती। आप आईटीओ पे चले जाइए, वहां पर सुरंग बन रही है जो आईटीओ और इधर जो दूसरी तरफ जो हमारा प्रगति मैदान है इसके बीच में कनेक्ट करने वाली, उसके ऊपर 8 अरब 28 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में मेट्रो के विकास के लिए। कोई भारत वंदना पार्क है, कोई दूसरा पार्क है, कोई कुछ तीसरी चीजें, इतनी उनकी 70 चीजों की तो लिस्ट में अगर मैं समय हो तो आपको गिना सकता हूँ। यानी बिना हमारी दिल्ली में सरकार हुए नरेंद्र मोदी सरकार इतने काम कर सकती है। अगर हमारी दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी तो दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा सकती हैं इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, एक बार एक एक घर में चले जाइए, 5 मिनट लोगों के साथ बैठ के चाय पी लीजिए। और सच्चाई लोगों को पता है, सिर्फ वो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी जो है हम लोग जाने में चूक कर देते हैं, उसमें थोड़ी सी कमजोरी रह जाती है, वो कमजोरी ना रहने दें। जिसके पास आप चले जाओगे, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, अमित शाह जी ने जो देश के लिए काम किया है, लोग उसके दीवाने हैं। खाली विकास ही नहीं किया, जो हमारे इमोशनल मुद्दे थे, जो हमारे हृदय को हमारी आत्मा को तृप्ति देते हैं, वर्षों तक जो हमने सपना देखा कि धारा 370 हम सोचते थे पता नहीं कभी जीवन में समाप्त होगी कि नहीं होगी। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे जीते जी हमारे को ऐसा समय देखने को मिलेगा जब हमारे सामने भगवान राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा उसकी योजना के हिसाब से। हमने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी सोचा नहीं कि इस देश में हमारी मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक जैसा कानून पास हो जाएगा। और ये जो लाखों करोड़ों लोग बेचारे पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में सताए गए, वो भारत में दर दर भटकते थे, उनका बेचारों का क्या कसूर था? क्या दे दिया उनको? तारे तोड़ के थोड़ी दे दिए हम लोगों ने। हमने कहा इनको तड़पाया गया, इनको तकलीफ दी गई पाकिस्तान में, हम उनको केवल जो है नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर भी जो है गलत तरीके से जो है, और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री और इनकी पार्टी के लोग किस प्रकार के आंदोलन दिल्ली के अंदर करवा रहे हैं, किस तरीके से बसें जलवा रहे हैं, किस तरीके से नौजवानों को भड़का रहे हैं, किस तरीके के धरने लगवा रहे हैं सारे दिल्ली के अंदर जो है, ये सारी दिल्ली बड़े ध्यान से देख रही है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को अराजक कहने में गर्व महसूस करते हैं, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ ये खुल्लम खुल्ला खड़े हैं। ये वही है जो अफजल गुरु को शहीद कहा करते थे, ये वही है जिन्होंने जो है फाइलें साइन करने के लिए जो है कितनी देरी की, आज भी जो है आज ये जो है उन लोगों के साथ खड़े हैं जो निर्भया के पाप के साथ जुड़े हुए लोग, जिनको अभी तक फांसी हो जानी चाहिए थी, वो जो वकील, वो मैडम वकील, वो सीबीआई के केसेस उनके ऊपर हो रहे थे, उनके 5 साल का रिकॉर्ड देखो कि अरविंद केजरीवाल ने कितने केसेस के अंदर उनको इन्वॉल्व किया, वो जो है उनके साथ आज खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कोई स्टैंड नहीं ले रहे, वो कह रही है कि इनको माफ कर दो, निर्भया के कातिलों को माफ किया जा सकता है। ये इनको दिल्ली की जनता बड़ा खुल के देख रही है कि सारे राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी जन विरोधी लोगों के साथ दिल्ली की सरकार खड़ी है। इसलिए आप सब से मेरा ये निवेदन है कि पूरी मेहनत के साथ हमारे संगठन की ताकत को कोई मैच नहीं कर सकता। अभी आप देखेंगे उस दिन हम अमित शाह जी के एक मीटिंग में थे, 15,000 दिल्ली के अंदर मीटिंगें होने वाली हैं, आपके इलाके में भी होंगी, सब जगह पे होंगी। और एक बार लोगों को हम जब सब बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, गरीबों को बताएंगे
कि किस प्रकार से तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तो मुझे जरा भी संकोच या विश्वास के अंदर कमी नहीं कि जब लोग बटन दबाने के लिए जाएंगे तो उनको दिखाई देगा दिल्ली का बेहतर भविष्य, भारत का बेहतर भविष्य, ईमानदार लोगों की सरकार, और वो फिर केवल कमल के बटन के ऊपर जो है अपना प्रेस करेंगे अंगूठा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कपिल मिश्रा जी। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।